ओह, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी थक गई हूँ। चलो थोड़ा आराम करते हैं। पर इस कमरे में इतनी गंदगी है। हाँ, मुझे पता है। हाँ, हमने यहाँ बहुत लंबे समय से सफाई नहीं की है। छी, यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं। कितना घिनौना। मुझे क्या करना चाहिए? ए, तुम मुझे उड़ा दोगी। तुम्हें पता है मेरे पास भी सुपर पावर है। हे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं तुम्हें पौधों से ढक दूंगी। तब मुझे तुम्हारे सिर में आग लगानी पड़ेगी। आह, बचाओ! ये तुमने क्या किया? खैर, बस। अगर तुम इसे अच्छे तरीके से नहीं चाहती हो तो ये बुरे तरीके से होगा। कोई मुझे हरा नहीं सकता। मुझसे पंगा मत लेना। लूसी और मैं तुम्हें जरूर हराएंगे। हम उसके बारे में देखेंगे। ओ, तुमने मेरा पूरा कमरा बर्बाद कर दिया है। तुम क्या कह रही हो? वैसे मेरे पास एक बढ़िया योजना है। तो फिर इस योजना को सभी के साथ शेयर करो। आओ देखें कि अंदर क्या है। अब इस बर्बाद कमरे को बदलने का समय आ गया है। चलो एक नया मस्त बेड बनाते हैं। ठीक है लड़कियों, चलो एक साथ काम करते हैं। सबसे पहले हमें सभी कबाड़ से छुटकारा पाने की जरूरत है। यहाँ इतनी सारी बेकार की चीजें क्यों हैं? मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि सफाई के दौरान मेरी सुपर पावर काम आएंगी। चलो इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ। मुझे ज्यादा जगह की जरूरत है। मैं बिस्तर भी ला सकती हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है। जरूरी बात बाकी छोटे कचरे से छुटकारा पाना है। ठीक है, लगता है मैंने सब कर लिया। और अब आगे हमारे लिए क्या है? लगता है अब लिली की बारी है। क्यों नहीं, अब मैं यहाँ जादुई मिट्टी डालूंगी ताकि मैं इस पर अपनी जादुई बीज लगा सकती हूँ। और मैं उस पर पानी डाल दूंगी। यह मेरी जादुई शक्ति है। अब यह बीज जल्दी ही उग जाएगा। बेड के रूप में। वाह, वो कितना खूबसूरत है और मजबूत भी। वाह, लेकिन एक बिस्तर हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें तुरंत दूसरे को लाने की जरूरत है। मैं और मेरी उग्र शक्तियाँ निश्चित रूप से ऐसा कर पाएंगे। तैयार हो जाओ। अब हमारे पास दो अच्छे बिस्तर हैं। तो दोस्तों, पेंटिंग शुरू करने का समय आ गया है। यह समझ में आ रहा है कि पेंटिंग करना बहुत रिलैक्सिंग है। लगता है मेरे पास एक अच्छी हॉबी है। इन पौधों की वजह से मुझे पेंटिंग करने में दिक्कत आ रही है। हाँ, अब ठीक है। छी, यह क्या है? कितना गंदा। हाँ, पेंट से इसे छुपा देना चाहिए। यह बहुत सुंदर होगा। दोस्तों, मत भूलना कि हमारे पास बंक बेड है, इसलिए हमें सीढ़ियों को भी पेंट करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऊपर तक पहुंचने के लिए क्यों ना हम अपने पावर का उपयोग करें? खैर, मैं कोशिश करूंगी कि दूसरी मंजिल को भी पूरी सावधानी से पेंट करूं। यह पहले की तरह ही सुंदर है। मैं यहाँ सोना चाहूंगी। हमारा बेड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैं अपने लिए निचला हिस्सा लूंगी। दोस्तों, हमने कितना अच्छा काम किया है। पहला चरण बीत चुका है। अब हमें इसे अच्छा और आरामदायक बनाना होगा। और इसके लिए मैं अपने बेड पर बहुत सारे तकिए रखूंगी। इसके अलावा इसे पौधों से सजाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना सुंदर है।
इसके बाद सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों पौधे इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। यह न केवल एक अच्छी सजावट है बल्कि इससे असली दीवारें भी बना सकते हैं, ताकि कोई सोते समय परेशान न करे। वाह लिली, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब समय है मेरे अपने बिस्तर को सुधारने का। एक हल्का पफी बादल से मुलायम कुछ नहीं हो सकता है। मैं इसे हर तरफ अच्छे से फैला देती हूँ। एकदम सही। और अब थोड़ी लाइटिंग। कितना सुंदर है यह। ऐसा है जैसे मैं एक असली बादल पर बैठी हूँ, असली जादू की तरह। मैं भी अपने बिस्तर पर बहुत सारे तकिए और कंबल रखूंगी, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं है। मैं यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाऊंगी। हे लूसी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे तुम्हारे हाथ की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं, एक दोस्त के लिए सब कुछ करूंगी। धन्यवाद, बस अब इसमें पानी भरना ही रह गया है। हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। बहुत बढ़िया, अब मेरा बिस्तर और भी मजेदार हो गया है। पानी में खेलने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई मेरी बात से सहमत होगा, खासकर जब आसपास ऐसे प्यारे बत्तख हों। बस अब बहुत हो गया। लूसी, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे सुखा सकती हो प्लीज? मैं थोड़ी भींग गई हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा ध्यान मत हटाओ, मैं ध्यान कर रही हूँ। लाल कंबल और लाल तकिए से ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। ओह, जब मैं बिस्तर सजा रही थी मुझे जोरों की भूख लगी थी। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि मैं आज लंच में क्या खाने वाली हूँ। पहले मैं आग जलाऊंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह ठंडे कमरे के लिए एकदम सही रहेगा? और अब इस आग पर मैं अपना फेवरेट नाश्ता तैयार करूंगी, स्वादिष्ट भुना हुआ मार्शमेलो। मुझे मार्शमेलो बहुत पसंद है। दोस्तों, मुझे बॉन एपिटीट कहो। यहाँ किसी चीज की कमी है, मुझे यहाँ कुछ और भी लगाना होगा, जैसे कि फूल। ये मेरे इंटीरियर में पूरी तरह फिट होंगे। और अब थोड़ी सी रोशनी की व्यवस्था करनी होगी। एकदम सही। ओह, मुझे भूख लग रही है। हे, अगर हमारे बिस्तरों के बगल में एक संतरे का पेड़ उगता है तो क्या किसी को कोई आपत्ति है? वाह, मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया, मुझे संतरे पसंद है। इसके अलावा यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मुझे केवल फल और सब्जियां खाना पसंद है। मैं लिली से सहमत हूँ, मुझे भी किसी चीज की कमी लग रही है। मुझे लगता है कि लाल पर्दे पूरी तरह फिट होंगे। ओ हाँ, अब बिल्कुल घर की तरह महसूस हो रहा है। यह बहुत आरामदायक और सुंदर है। केवल मुझे भी कुछ लाइट्स लगाने होंगे। अब सब कुछ एकदम सही है। हाँ बस अब सब ठीक है। ओह, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे भी अपने बंक बेड को थोड़ा और सजाना होगा। तो प्यारी मछली, मैं जल्दी तुम्हारे से एक स्वादिष्ट डिश बनाऊंगा। चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें इस आदमी को नहीं दूंगी। अरे मछली कहाँ है, मैं क्या खाऊंगा? अब मेरा एक दोस्त है, मैं इसे नाम दूंगी नीमो। उसके साथ मेरी छोटी सी पानी की दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं और क्या जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल, पर्दे लगा देने से मैं एकांत में रह सकती हूँ, यह ठीक रहेगा। अब मेरे पास अपनी जगह है जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ी सी रोशनी से कोई दिक्कत नहीं होगी।
कितना सुंदर। मैं अपने दोस्त बादलों को मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? ओ हाँ, मैं अपने बादलों के बीच में एक इंद्रधनुष को फिट करूंगी। इंद्रधनुष को कौन पसंद नहीं करता? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। कितना सुंदर और प्यारा है, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ लड़कियों, तुम सही कह रही थी, मैं भी पर्दे लगाऊंगी। पर्दे का उपयोग मैं आसमान बनाने के लिए करूंगी, जहाँ मेरे बादल रहेंगे। और अब मैं लाइट लगाऊंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे तो यह शानदार लग रहा है। लड़कियों, हमारा सब काम हो चुका है, तो चलो जश्न मनाने के लिए डिस्को की व्यवस्था करते हैं। मैं डांस पार्टी की बात कर रही हूँ, तुम लोगों को यह बहुत पसंद आएगा। वाह, कितना मजा आ रहा है। अच्छा आइडिया रहा, मैं भी कुछ लाऊंगी। मैंने अच्छा केक बनाया है, अब बस फाइनल टच बाकी है। अरे वाह, केक बिल्कुल मुझे यही चाहिए। आज कैसा दिन है, मेरा सारा खाना कहाँ चला जाता है? देखो दोस्तों, मैं केक लाई हूँ, चलो इसे जल्दी से खाएं। यह हमारे घर के सम्मान में है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं भी एक टुकड़ा लूंगी। कितनी अच्छी सुगंध है, कितना स्वादिष्ट। लेकिन एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। अच्छी बात है कि लिली के पास और है। उंगलियां चाट कर खाने लायक। अरे जैस, तुमने मेरा केक चुराने की हिम्मत कैसे की? मैंने सोचा था कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम चोर, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे कोई बात नहीं, हम फिर से सब बना सकते हैं, है ना? वाह लड़कियों, देखो यहाँ कितना अच्छा है। हेलो लड़कियों, हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं बेड चुनने का सुझाव देती हूँ, मैं निचले हिस्से को लेती हूँ। बेशक मैं ऊपर रहूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना सूटकेस नीचे छोड़ दिया है। उफ, मैं इसे कैसे उठा सकती हूँ? शायद ये कुछ जादू करने का समय है। मेरे पास आओ मेरे तकिए। वाह बहुत बढ़िया। और अब बाकी सब कुछ बढ़िया। ओह, यह पेन, कॉपी, हाँ यह अच्छा है। ओह, कंबल बचा हुआ है, मुझे इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। यहाँ आओ, थोड़ा और ओह, मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ओह, जितना तुम लड़कियाँ चाहते हो उतना हंसो। लेकिन मैंने अपना बिस्तर सजा लिया है। हाँ, यह मेरे लिए अपनी चीजों को अनपैक करने का समय है, तो चलो देखते हैं। उप्स, जब मैं तैर रही थी मेरा सूटकेस पूरी तरह से भीग गया था। अब मुझे अपनी इन चीजों के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो एक सेकेंड रुको, अब तुम्हारी चीजें सूख जाएंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जल रहा है। ओ, मेरी नोटबुक में पहले से एक बड़ा छेद है, इसे रोको। उफ, ये क्या हो गया? ओ, मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया, यह मेरे साथ होता है। मैंने देखा कि यहाँ कोई पौधे नहीं है, अब इसे ठीक करने का समय है। चलो कुछ रंग जोड़े।
मैंने थोड़ा कहा, तुम कहाँ बढ़ रहे हो? रुक जाओ, बस इतना ही काफी है। और सूटकेस में वापस जाओ। तुम तब तक वहीं बैठोगे जब तक तुम खुद से व्यवहार करना नहीं सीख जाते। ओह, अब तुम बिस्तर के नीचे रहोगे। जाओ अंदर। उप्स, मुझे भी अपना सूटकेस अनपैक करना चाहिए। अपने गर्म स्वभाव को जानते हुए मैं हमेशा अपने साथ सबसे जरूरी चीजें ले जाती हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत क्यों है? आ, 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 ओ, लड़कियों, घबराओ मत। मुझे पता है कि ऐसी स्थितियों में क्या करना है। मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। हाँ, यह बेहतर है। अब कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दो। मुख्य बात यह है कि आग खत्म हो गया है। आ, अच्छा, देखो ये क्या हो गया है। उफ, चलो अब सब ठीक है, सब कंट्रोल में है। मेरा सुंदर बेड एक असली बादल की तरह नरम है। मेरा बिस्तर जितना है उससे कहीं बेहतर दिखता है। मुझे भी अपना नया बेड पसंद है और मेरा बिस्तर सबसे प्यारा है। ये ऑक्टोपस मुझे समुद्र की याद दिलाएंगे। यह शेड्यूल देखने का समय है। हमारा पहला लेसन क्या है? जादू के नियम। ये एक ब्रीफकेस पैक करने और क्लास में जाने का समय है। हमें देर नहीं करना चाहिए। हम भी अपने रास्ते पर हैं। अच्छा मोनिका, क्या तुम तैयार हो? हमें पहले दिन लेट नहीं होना चाहिए। मुझे जानना है कि हमारी टीचर कैसी होगी। हम क्या करेंगे? जादू के स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आपकी अद्भुत और सुंदर टीचर हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लेसन के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पर जाओ। जैस, तुम आओ। मैं सच्ची में, लेकिन मैं नहीं जान चाहती। हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। चलो। मैं क्या कर सकती हूँ? अब देखो, अब मैं इन बबल्स को नियंत्रित करने जा रही हूँ और मैं उन्हें जगल भी कर सकती हूँ। देखो, हाँ, मैं उन्हें उठा सकती हूँ। ओ, इतना ऊंचा नहीं। ये क्या हो रहा है? तुमने ये क्या किया? उप्स। तुम्हें अभी भी पढ़ना और पढ़ना है। बैठ जाओ जाकर अपनी जगह पर। अब तुम देखो तुम क्या कर सकती हो, क्रेस। हाँ, मैं तैयार हूँ। चलो हमें सरप्राइज करो। अब मैं एक छोटा टॉर्नेडो बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैं इसे थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। बुरा नहीं, बुरा नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह काफी है। ग्रेस, इसे रोको, इसे रोको, इसे पहले कि यह टोर्नेडो पूरी क्लास को नष्ट कर दे। लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती, वो नहीं सुनेगा। पकड़ो। ओह, उप्स, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। तुम कहाँ चली गई? अब यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, उप्स, मैं जा रही हूँ। ग्रेस, तुम कहाँ जा रही हो? अभी यह खत्म नहीं हुआ है। ग्रेस, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक सिंपल चीज से शुरू करूंगी। बुरा नहीं है, शायद कुछ और कॉम्प्लेक्स। चलो और कॉम्प्लेक्स करते हैं। आपको यह पसंद है? एक गर्म दिल पकड़ो। लेकिन यह सच्ची में गर्म हो सकता है, सावधान रहे। ओह, देर हो रही है। अब आप जले हुए टोस्ट की तरह दिखती हैं। खैर, बहुत हो गया, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। अच्छा, मैं जाती हूँ। मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। चलो, ये वैसे भी बदतर नहीं होगा। आप थोड़ा और, शायद कुछ और होने से पहले दूर जाना बेहतर है। ओह,
यह बहुत अच्छा है। क्या सुंदरता है, यह अद्भुत है। क्या, और ये झाड़ियाँ क्या है? वे मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, मेरा धैर्य खत्म हो गया है। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया। ओह, यहाँ घंटी बज गई। ठीक है, हमें चलना चाहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। हाँ, हमें जाना है। बाय। लड़कियों रुको, मेरी मदद करो लड़कियों। तो तुम्हें स्कूल का पहला दिन कैसा लगा? मेरी राय में ये बहुत अच्छा रहा। मेरे पास एक आइडिया है, चलो इसके सम्मान में पार्टी रखे। चलो कुछ चमक जोड़े। और वाह, और यहाँ थोड़ी म्यूजिक जोड़े। अब हम मजा कर सकते हैं। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छा किया। ये बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं म्यूजिक को थोड़ा और तेज कर देती हूँ। वाह बहुत बढ़िया। दोस्तों, डिजर्ट के बारे में क्या ख्याल है? कॉटन कैंडी से बेहतर क्या हो सकता है? देखो कितना अच्छा। मुझे लगता है हमें ड्रिंक्स चाहिए। आबरा कदाबरा, ब्राइट लड़कियों के लिए ब्राइट और मीठे कॉकटेल। यह लो। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मेरे पास भी कुछ है, बस थोड़ी देर। और यह रहा हमारा पॉपकॉर्न। वाह बहुत बढ़िया, पॉपकॉर्न ब्लास्ट। मुझे लगता है मैंने इसे पूरा किया। खैर कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह मजेदार निकला। मल्टीडू को सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक चुनौतियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ बने रहें।